नमस्कार, आप सभी का तत्काल संदेश में स्वागत है। मैं निवेदिता चलती हूं आज की बड़ी खबर की ओर। सतना कांग्रेस में असंतोष, लोकसभा चुनाव में पार्टी से बगावत का दंड तो नहीं महापौर की टिकट। कांग्रेस का टिकट वितरण ना तो कांग्रेसियों के और ना ही सामान्य मतदाता के गले उतर रहा है। सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू को महापौर प्रत्याशी बनाए जाने पर राजनीतिक हलकों में बहुत चर्चा है। जहां भाजपा इसे अपने लिए क्लीन स्वीप मान रही है, वहीं प्रत्याशित घोषित होने के बाद पार्टी में इस्तीफे का दौर जारी है। गेंदलाल पटेल, जो कांग्रेस में अपनी एक हैसियत रखते हैं और पिछड़ा वर्ग के नेता के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। यह घटनाक्रम सतना विधायक के प्रदेश पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष बनाए जाने के बाद हुआ है। इसका मतलब सतना के कांग्रेस के साथ साथ पिछड़ा वर्ग के नेताओं में भी आपसी बैनमस अब दिखाई देने लगा। गेंदलाल पटेल के जाने से जहां पटेल वर्ग जो विधायकी तक सिद्धार्थ कुशवाहा के साथ था, वह अलग होता दिख रहा है। लोगों में यह भी चर्चा का विषय है कि लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी महत्वाकांक्षा के कारण अपने प्रत्याशी का विरोध करने और भाजपा प्रत्याशी के प्रचार का दंड प्रदेश स्तर के नेतृत्व में देने का निर्णय लिया है। विधानसभा चुनावों में भी शहर में पिछड़ने के बाद भी कम अंतरों से कांग्रेस जीत पाई थी, लेकिन 4 साल तक जनता से दूरी बनाए रखना और जातिवादी छवि के चलते दूसरे पिछड़ा वर्ग के नेताओं से सामंजस्य बिठाने के कारण कांग्रेस महापौर की सीट स्वयं ही भाजपा की झोली में डाल दिया है। सिद्धार्थ कुशवाहा के विद्रोही स्वर और अति राजनीतिक महत्वाकांक्षा को शांत करने के लिए उनका राजनीतिक करियर भी दांव में लगा दिया गया है। देखना यह होगा, यदि सिद्धार्थ कुशवाहा अपना चुनाव हारते हैं तो उनके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा। कांग्रेस के अंदर विधायक के लिए नए जोड़ तोड़ चालू हो गए हैं। भाई पटेल जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग कांग्रेस कमेटी सतना, जो कि लगभग 3-4 वर्षों से मैं था और इस बीच में कई चुनाव हुए, उसमें भी मैंने अपना पूरा ओबीसी का संगठन बना करके चुनाव जिताने का काम किया पूरी टीम के साथ। लेकिन अभी जो पार्टी का चिंतन शिविर राजस्थान में हुआ, एक व्यक्ति एक पद का, माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि हम अपनी पार्टी के अंदर नगरीय निकाय चुनाव में 27% ओबीसी को आरक्षण देंगे, तो 27 के जगह घट गया, 4 ही सीट मिली, लगभग 15% ही आरक्षण मिल पाया। इसके बावजूद वो भी नहीं लागू किया गया और न चिंतन शिविर का, क्योंकि जो सतना में आप सतना ही का देख लीजिए, सतना में हम ही लोगों ने विधायक बनाया था जिनको, वो ऑलरेडी अभी विधायक हैं, आगे भी रहेंगे, उनको महापौर की टिकट भी दे दी गई और दूसरा उनको ओबीसी विभाग का प्रदेश का अध्यक्ष भी बना दिया गया। इससे ऐसा महसूस हो रहा कि एक ही आदमी को अन्य लोग काम करते रहे, जबकि 22 वर्ष बाद ये सतना का महापौर ओबीसी के लिए आरक्षित हुआ। यदि पार्टी संगठन माननीय कमलनाथ जी ये चाहते तो यहाँ वो सतना में खुद कांग्रेस के विधायक थे तो दूसरे यदि ओबीसी को मौका देते तो वो भी महापौर बन सकते थे, पार्टी और मजबूत हो सकती थी, पर इस तरह से नहीं हुआ। तब हमें अपने आप को ये लग रहा कि हमारे कार्यकर्ता हम लोग ठगे महसूस हो रहे हैं, इसलिए हमने अपनी पार्टी के पूरे दायित्व से, क्योंकि अभी जो नगरीय निकाय इसमें भी हम लोगों का हुआ कि वहाँ अध्यक्ष लोग रहेंगे, चयन कमेटी में वहाँ भी तवज्जो नहीं दिया गया, इसलिए अपने को असहाय समझते हुए कि हम लोगों की सेवा नहीं कर पाएंगे इस तरह से, तो वादा खिलाफी नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने सारे कांग्रेस के पदों से मैंने इस्तीफा आज दे दिया और माननीय कमलनाथ जी को फैक्स के माध्यम से भेज दिया। आगे की क्या रणनीति? आगे अभी तो चर्चाएं चल रही हैं, पार्टी में हूँ, पार्टी में ही रहूँगा, प्रयास पार्टी में, यदि पार्टी सुधार करती है तो पार्टी में ही अपन काम करेंगे, फिर राजनीति है आगे किस तरह चिंतन और साथियों के साथ विचार करके कोई रणनीति आगे कितने